बाइक चैनल सपोर्ट करो, लाइक कमेंट कर दियो सारे, वीडियो बढ़िया लगी ठीक है। हाँ जी, एक सारी लास्ट मां सुना दो भाई, एक सारी मखा जी सीता ने मेरी करी है, इसी करिए ना किसी की हालत। तुम्हारे सस्ते यूट्यूब व्लॉग पर तुम भाई व्लॉग तुम बना नहीं रहे हम। अच्छा हम तो सिर्फ इंटरव्यू लेना है भाई का। तो भाई साहब कैसे हो? बढ़िया भाई, ठीक ठाक भाई, बढ़िया। घर परिवार सारे बढ़िया। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम अपना मोहित भाई। मोहित भाई है भाई का नाम, और आईडी का नाम भाई जी बेको बाबा। आईडी का नाम है बेको बाबा। तो भाई साहब ये भाई आए हैं यहाँ पे, क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भाई का इंटरव्यू लेने। तो भाई साहब तो भाई जी कैसे हो आप? बढ़िया भाई, मौज हो रही। अपना कौन सा पिंड है भाई? कोत्तरखाना जी। एक कोत्तरखाना के अपने बेकूफ बाबा के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, और अपने यमुनानगर के टॉप शायर है, जैसे कि आप देख रहे हो। आज मैं स्पेशल इसके लिए भाई के लिए टाइम निकाल के बड़ी मुश्किलों से एक इंटरव्यू लेने आया था। अच्छा, हमको सिखा रही है। अल्ली होने आया ठीक है, और मेरे साथ मेरे साथी आए थे। तो भाई जी आप कैसी शायरी बनाते हो, मतलब एक कोई शायरी हो जाए? शायरी थोड़ा सा ओक्का पी रहे, इतना अपने दूसरे भाई से पूछते हैं। प्रिंस भाई जी कैसे हो? बढ़िया जी, आप सुनाओ जी। और आपकी आईडी भाई जी थोड़ा बताएंगे? मेरी आईडी प्रिंस गेमर के नाम से है जी। अच्छा, प्रिंस गेमर यूट्यूब चैनल जो आप रिलेटेड गेमर भाई जी, मेरे छोटे भाई और बड़े भाई जो गेमिंग खेलते हो, तो भाई जी के यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम आईडी भी है। यूट्यूब चैनल क्या नाम है अपने भाई का? सेम नाम है दोनों का, दोनों का सेम नाम है प्रिंस गेमर। तो अपने पागल शायर, अपने मशहूर शायर राम राम भाई जी। राम राम भाई, और कैसे हो भाई? बढ़िया भाई जी एकदम, आप सुनाओ। बढ़िया, तो आप बहुत मतलब क्या नाम सोच के रखा था आपने पागल शायर? भाई जी पहला तो बहुत दिक्कत आई, क्या नाम रखा। पहली आईडी का नाम था अंश तेरा। पहले जो आईडी थी भाई की अंश तेरा थी, तो आप बैन हो गई थी आईडी अपनी। ओके। तो फिर गुरुजी के अलावा आए थे अप्पा, तो गुरुजी ने कहा कोई यूनिक सा नाम रखो यानी सबसे अलग, फिर अप्पा ने भाई पागल टेक दिया था। पागल जो लड़कियों के मामले में पागल रहते हैं, और आजकल इंस्टा में भी बहुत पागल रहते हैं, वो भाई को कॉन्टेक्ट करें ठीक। कौन है ये लोग? ठीक है, वो लड़कियों को भी दिल जले बना देगा और लड़कों को भी ठीक है। उसके ऊपर एक शायरी हो जाए भाई जी। किसके ऊपर? लड़की के ऊपर भाई। भाई थोड़ा सा टाइम दो, इतना भाई की गल बात करो। चलो भाई जी, तो भाई भी अभी टाइम मांग रहे हैं इंटरव्यू। भाई जी आपका नाम क्या है? विकास है भाई। विकास, अच्छा कहाँ से हो भाई जी? उरी क्या कोत्तरखाने से है भाई जी विकास। भाई के भाई हो? ओके। इनका और एक आईडी है इंस्टाग्राम पे, ये भी शायरी करते हैं भाई। शायर बाबा के नाम से, शायर बाबा के नाम से सर्च करें और फॉलो जरूर करें ठीक है। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें ठीक है। और भाई जी आपका भाई का गला थोड़ा क्लीन हो गया है, भाई का कहना है कि उक्का पीके गला क्लीन होता है तो आवाज बढ़िया आती है। तो क्या सर आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस हो रहा है सर को। तो एक आधी सारी हो जाए के मैं त्रे राह चल पड़े हैं भाई जी, ये भी नहीं रुक दे। अगला मानस कितना बड़ा बदमाश हो, किसी आगा नहीं झुक दे। मेहनत कर का बनाया नाम, ब्लॉक कर का जान ली, कैसा महसूस हुआ जब स्टोरी लावा तेरा सारा गाँव। बढ़िया भाई के। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में भाई के आईडी मेंशन है, तो वहां पे जाके उसको फॉलो करें और लाइक करें, और कमेंट में मुझे बताएं आपको ये फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा, कैसा लगा ठीक है। तो भाई आपका नाम क्या है? सचिन है जी। अच्छा सचिन, ये भी अपना जगाधरी से है भाई जी। जगाधरी से हो आप? यमुनानगर से भाई, सारे यमुनानगर के हैं, तो मैं भी जगाधरी, सिर्फ मैं जगाधरी हूँ। जितने बैठे सारे शायर बैठे, यो कल्ला एक यूट्यूबर है भाई। मैं सिर्फ यूट्यूबर पे आपको दिखूंगा या देखने वालों को दिखूंगा और जानने वालों को जानूंगा ठीक है। ठीक है, तो तारा भाई भी फर्स्ट वीडियो है भाई के साथ, और मैं और भी तो आप भी शायरी सुना सकते हो क्या भाई? हाँ जी है, दिल में सुना दो भाई साहब। के इबे तो हम बड़े भी कुछ नहीं, और इबे तो मारे ठाट देख, और तरक्की देख रही ना बड़े भी, 6 महीने बाद देख। क्या
क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वाह जी वाह, बस भाई साहब खत्म होगी बात शायरी। वैसे भाई हमें पता नहीं लगा शायरी खत्म हो गया, हमें लगा कि और भी बोल रहे हैं भाई साहब आप, पर खत्म कर दी भाई ने। एक बार दोबारा बोल दे भाई यही सारी के ये भी तो हम बने भी कुछ नहीं, अरे भी तो मारे ठाट देख, अरे और तरक्की देखने ना बढ़वे, छह महीने बाद देख। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, टूट गया मैं तो अब। जय बाबा की, जय बाबा भाई, ठीक है इसका नाम ले रहे हम जय बाबा की। तो भाई साहब आपको शायरी इनके भाई का याद आ गया, जो इधर आ जाओ, इधर नहीं इधर आओ भाई, गुरुजी का की तो आवे पूछो हो तो। लो जी भाई साहब सुनाओ एक शायरी। मारे तना देखन ना दिल दिल दिन रात तड़पा है, एक तेरे इंतजार मारे दिन रात तड़पा है, और कैसे समझाऊं इस दिल ना बोली जो मेरा होगा भी सिर्फ तेरे लिए धड़का है। वाह भाई वाह, छोरे ये गम्मा वाले छोरे हैं हरियाणा के, गम्मा वाले भाई है भाई, ठीक है ये शहर का भाई और ये गम्मा वाले, वैसे तो सारे गम्मा वाले ही देख रहे होगे वीडियो भाई। एक मेरे मन में बात, एक बंदा मुझे कमेंट करके पूछा था कि बाबा भाई बहुत तकड़ा अमीर आदमी है, तभी इनकी भाई वीडियो वायरल होती है बहुत ज्यादा, पैसा वाले खुले है। तो मैं बाबे भाई से पूछना चाहता हूँ, भाई जी आप बताओ इन्हें को, खुद ही बताओ भाई जी कितने अमीर हो आप, बताते क्यों नहीं हो? परेशान हो गए हम लोग ढाई साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। अरे उम्र को नहीं भाई, बाकी सारा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, आज के टाइम में कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक जैसे हैं भाई, ठीक है। देख लो भाई साहब अपने मुंह से ही सुन लो भाई, ठीक है ना भाई, जिन जिन को वहम था थोड़ा सा भाई, तो भाई बोलो भाई। तो पहली फर्स्ट बात ये है कि बाबा जी अपने ऊपर कभी घमंड नहीं किया आपने, कभी किया भाई जी भी मैं इतना बड़ा इंस्टाग्राम हूँ, तो आपने अपने फॉलोअर्स का कभी घमंड किया है? जैसे कि आपने देखा होगा आजकल वीडियो चल रही है बहुत कि इंस्टाग्राम बैन होने लग रही है, उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहते हो आप? भाई इंस्टाग्राम कल हो आज हो जाओ, कोई चक्कर नहीं, अपनी फेस वैल्यू बन चुकी है ब्रो। हाँ कोई चक्कर नहीं, जी जी हाँ। देखो एक बात कही है भैया ने कि अपनी फेस वैल्यू बन चुके हैं हमारी, चाहे इंस्टाग्राम बैन हो या ना हो, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो भाई जी अगर आपकी इंस्टाग्राम बैन भी हो जाती है, छोटी सी बात है, वैसे तो होने नहीं चाहिए, ना होएगी कभी, अगर वो भी गई तो उसके बाद आप कहाँ पे देखोगे, देख सकते हो मतलब भाई को? कोई तो ऐप चल रहा देख, कोई भी ऐप चला ऊपर आ जाएगा आपका दोबारा, कोई तो भाई खा देंगे भाई साहब, और भाई जी का वो जल्दी अकाउंट पहले भी था भाई, एक वो बैन हो गया था मेरे ख्याल से, रिपोर्ट कर दी थी छोकरों ने, जलने वाले छोकरों ने, क्या नाम है उसका जिन्हें कहते हैं भाई साहब, तो भाई ने दूसरा अकाउंट बनाया था ये, तो ये इन पे थोड़ी सी मेहनत करी भाई ने, तो एकदम से मेहनत का फल भी ऊपर वाले ने दे दिया भाई को। तो थोड़ा सा बताना चाहोगे भाई जी किस चक्कर में होता है अकाउंट बैन? जो तो कह रहा सही कह रहा भाई, बस यही बात है भाई, छोकरे आसपास के जो उनसे होते हैं मोहल्ले वाले के, या फिर कोई बाहर के छोकरे जलने वाले होते हैं, तो उन्हें खुरक होती है जी अंदर से। वैसे मेरी भी आईडी कल परसों रिपोर्ट मार दी, मैं भी नवी आईडी बनवाना है भाई के पास, तो बना देंगे। तो क्या सर आप, सर मेरा मतलब भाई आप उनके ऊपर कोई शायरी बोलना चाहोगे जिन्होंने आपकी आईडी बैन करी है? कह जोन से कहाँ तेरा कुछ नहीं बनता, उन्हें एक दिन कर का भी दिखा देंगे, और किस्मत की नहीं मेरे भाई, जल लेना की बिचिंग ककड़ा देंगे। क्या बात भाई, सुन लो भाई इन्हें अपने दिमाग में ले लो भाई, जिन जिन्होंने आईडी बैन करवाई थी, और मेरी भी, मेरी तरफ से भी भाई बोल रहा, क्योंकि मैं इंस्टा में नर्वस हूँ भाई बहुत थोड़ा सा, कैसे भी करके इसको यहाँ से बाहर निकालो, ज्यादा तो नहीं भाई थोड़ा बहुत नर्वस हूँ अंदर से, दिख नहीं रहा वक्त मेरे अंदर। चल भाई आगे भाई आप साइड एक आती, बस हाँ जी भाई साहब आप एक आती साइड कोई हो दिल में, अरे गली माने मुस्कुरान दी होई जावा है, इस मुस्कान का राज तो बता जा, और नहीं और कदलक तड़पावागी मेरी जान, इब तो मुलाकात की बात पा जा। हाँ भाई मेरे साथ आइए मुलाकात की बात पे भाई मेरे साथ, ठीक है ना, जोन सी भी देख रही होगी इसकी शायरी, मेरे साथ आइए मुलाकात की बात पे, मैं मिलाऊंगा भाई दे इसका घर टॉप क्या भाई, फर्स्ट मिलेगा। हाँ भाई मेरी दुकान भी अपनी नहीं है भाई, हम काम करा भाई वहाँ पे, ठीक है, तो जिसने मुलाकात पे आना भाई आज लोकेशन हम बताएंगे भाई, जगाधरी झंडा चौक कमेटी घर के सामने, सैनी बर्गर सेंटर के साथ वाला दुकान है हमारी, वो भी सैनी बर्गर ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं मिलूंगा मैं काउंटर पे खड़ा हुआ, जब मर्जी हाय कर दियो मुझे, ठीक है भाई अंदर बुला लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई का यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर दियो भाई, और ये अब नवा यूट्यूब चैनल खोल लेंगे भाई, अभी नाम नहीं सोचा, अभी भाई के पास से ही नाम शुरू करवाएंगे हम, चैनल भी यही खोल के देंगे हमें, ओपन करेंगे तो नाम भी यही बताएंगे, तो हम शुरू में बता देंगे आपको वैसे बाद में चैनल का नाम रखने के बाद। तो भाई लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, और भाई को फॉलो भी कर लियो, वैसे जुड़ते नहीं है
क्योंकि फॉलोइंग बहुत है भाई की, तो एक आधे फॉलोअर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई का, फिर भी कर दिया भाई जी फॉलोअर, 50K पहुंचने वाले हैं, 50K पे भाई एक अच्छी शायरी करेंगे, मैं भी भाई के साथ एक अच्छी शायरी करूंगा 50K के बाद। तो भाई कुछ और पूछना चाहते हो भाई से? भाई आपका फेमस होने का राज पूछना चाहता हूँ मैं। फेमस तो भाई ये तो किस्मत का खेल है सारा, कोई चक्कर नहीं, सारे हो जाएंगे भाई, मेहनत करी दो सारे हो जाएंगे। तो भाई ने एक बात कही है, अगर आप थोड़ी सी भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे थोड़ी सी भी अगर मेहनत करते हो तो अपने आप ही फेस वैल्यू बनेगी और अपने आप ही फेमस हो गए, तो आपका कहने का ये मतलब है? हाँ भाई मैं तेन भी कहना चाहूंगा कोई किसी कॉपी ना करो, अपना करो, अपने दम पर करो। तो भाई कह रहे भी अगर आप अपना चैनल या अपना इंस्टाग्राम आईडी बना रहे, अपनी आईडी बना रहे कोई भी, किसी की कॉपी मत करना कभी भी, मतलब आपको मत सिखा, चल उससे क्या होएगा, आपका नाम भी बदनाम होएगा और आपकी फेस वैल्यू और आपका गांव का नाम और आपका नाम सारा बदनाम होएगा। क्योंकि अगर मैं इस भाई की कॉपी करने लग गया ना आज, तो मेरा चैनल ब्लॉक हो जाएगा, वो भी आपको पता होगा, ठीक है ना भाई? तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। इतना भाई एक बात और सुन लो मेरी भाई, जिसरो भाई ने कहा कि भाई मेहनत करियो सारे के सारे, अपने ट्रेंड लाइयो, अपना वो लाइयो, मतलब कंटेंट लाइयो, तो कई लोग होगा कि मेहनत कर रहा है बहुत ज़्यादा करा है, मेहनत तो देख मजदूर भी करा भाई, लेकिन थोड़े ढंग के काम में करियो भाई मेहनत, अगर करोगे ना पहले काम देख लियो कि हाँ भाई ढंग का काम है, जिसमें नाम ना खराब हो, घर वालों का नाम ना खराब हो, तो उस काम में करना भाई मेहनत अच्छे से करना। लेकिन ये नहीं है कि भाई कहीं इंटा तोड़न चले गए, वाजी मेहनत करे तो वाजी कोई फल नहीं मिलने का भाई, ठीक है ना, वहाँ बस ये दिहाड़ी मिलेगी 500-400 रुपए की, वहाँ कोई मेहनत नहीं होने की, बाकी थोड़ा सा घर बैठने वाले बोर जोन से हो वेले रीला चलाते रहे, तो थोड़ी सी भाई यूट्यूब पे बढ़िया बढ़िया नॉलेज लो और नवे नवे चैनल खोलो अपने भाई, व्लॉग स्टार्ट करो या फिर कोई भी काम शुरू करो भाई, यूट्यूब पे बहुत ज्ञान है भाई, लोग उल्टी सीधी वीडियो देखा है इनमें टाइम पास करा है, तो यो ना करो भाई। अच्छा हमको सिखा रिया है, थोड़ा सा अच्छा काम करो भाई, ताकि घर वाले भी सोचे कि हाँ भाई मारा बेटा थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा, लोगों के ताने ना सुनने मिला भाई, थोड़ा बढ़िया काम करियो। देखो भाई हेट तो सारी जगह मिला भाई, लोग आसपास के लोग जलने वाले तो बोल रहा है भाई ये ना करा वो ना करा, लोगों की ना सुनो भाई, तुम पहले अपनी मेहनत करो, अपना चढ़ाई करो भाई बढ़िया, उन्हें जवाब अपना मिल जाएगा भाई लोगों को। तो भाई और कुछ कहना चाहते हो? हाँ भाई भाई का चैनल सपोर्ट करो, लाइक कमेंट कर दियो सारे, वीडियो बढ़िया लगी, ठीक है। हाँ जी एक सारी लास्ट में सुना दो भाई एक सारी। मखा जी सीते ने मेरी करी है, इसी करिए ना किसी की हालत, अरे दिले का काला जादू चलाना छोड़ दे मेरी जान, अनि तेरी बात का मैं आगे ना मर जा किसी गरीब का बालक। जय बाबा की। तो भाई ऐसे हम अपनी इस वीडियो की वो करते हैं, एंडिंग करते हैं, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब अपनी दूसरी देखते हैं किसके साथ बनती है, हमारा प्लान किसके साथ बनता है, तो उसी में मिलेंगे। तब तक के लिए भाई सारे भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, जय किसान, नमस्ते भाई सारों को, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना भाई जी, चैनल को कमेंट कर देना बढ़िया लगे तो, और किसी ने कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना भाई, हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नवा नवा चैनल है, सबका रिप्लाई देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में सारे भाई, ओके भाई साहब, ओके ठीक है भाई, सारे भाई बोल दो भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, जय बाबा भाई।